आई सर के राउंड क्लोज हो चुके हैं। हाँ जी भी आप क्लोज हो चुके हैं। ये क्या हो रहा है, हमारा तो एडमिशन हुआ ही नहीं है। हमारी तो बहुत ही कम रैंक है, बहुत ज्यादा रैंक है, काफी सारे बच्चों के बहुत सारे सवाल। यार आई सर के एडमिशन क्लोज तो हो रहे हैं लेकिन ये पूरा सच नहीं है, थोड़ा सा अधूरा सच है। आज थोड़ी हम बात करेंगे आई सर की। नमस्कार, शुरू से शुरुआत करते हैं, बात करते हैं एडमिशन प्रोसेस। वैसे तो आई सर के अंदर बहुत सारे राउंड होते हैं। हाँ जी, आप पहले ऑलमोस्ट 3 राउंड हुआ करते थे। एक आई ए टी टेस्ट होता है। हाँ जी, आप जो 12th के मार्क्स के बेसिस पे जो हो रहा है, आपने तो टेस्ट दिया था। एक क्या होता है, जेई वाला चैनल होता है। हाँ जी, आज जो जेई एडवांस जिन्होंने दिया, एकदम करीम बच्चे टॉपर एकदम वो वाले, तो उसमें क्या हुआ, जो जेई वाला जो चैनल था, हाँ जी, जो एक्स्ट्रा स्मार्ट थे थोड़े, जिन्होंने जेई एडवांस दिया था, वो क्या किया, सारे के सारे साइंटिस्ट बन गए वो। हाँ जी, आज जिनको अलॉट हुआ एडमिशन, आज किसी ने फ्रीज फ्लोट कुछ किया ही नहीं किसी ने, आज सभी ने एक्सेप्ट कर लिया। आई सर खुद परेशान है, उसको खुद अपनी वेबसाइट पे डालना पड़ रहा है, भैया हम फ्यूचर में फर्दर किसी को सीट नहीं दे सकते, क्योंकि किसी ने भी आई सर में जेई वाले बच्चों ने फ्रीज फ्लोट नहीं किया, इसलिए हमारी सारी की सारी सीटें भर चुकी है। हाँ जी, हाँ, आपको कैसा लग रहा है? वैसे इस BSMS कोर्स के अंदर बहुत ज्यादा स्कोप है फ्यूचर में, क्योंकि इनोवेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रिसर्च इस वर्ल्ड का सबसे आधुनिक और सबसे ज्यादा प्रचलित सब्जेक्ट है। हाँ जी, आप अगर एक रिसर्चर है, आप अगर एक साइंटिस्ट है, देन आपकी जॉब को कोई भी रिप्लेस नहीं कर सकता। इसलिए यार आईसर स्टार्ट किए गए थे, आईसर के एडमिशन क्लोज नहीं हुए हैं, सिर्फ जेई वाले बच्चों के लिए क्लोज हुए हैं। आखिरकार IAT वाले बच्चों के लिए एडमिशन ऑलरेडी रनिंग के अंदर चल रहे हैं। खैर, हम यहीं पे इसको समाप्त करते हैं। आपके भी यार बहुत सारे सवाल होंगे रिगार्डिंग द IAT एडमिशन प्रोसेस, कि भैया हमारा एडमिशन होगा कि नहीं होगा। हजारों बच्चे और पेरेंट्स हमारे पास अपने स्कोर कार्ड सेंड करते हैं, अपने मार्क्स सेंड करते हैं, कि हमारी SC कैटेगरी है, हमारी ST है, हमारी OBC है और हमारी इतना रैंक है, हमारे 5000 है, 4000 है, 6000 है, क्या हमारा एडमिशन हो जाएगा? और ये एक बहुत बड़ा मुद्दा भी है भैया, क्या इनका एडमिशन हो सकता है? क्योंकि अगर इनको पता चल जाए तो इनकी सारी की सारी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। अगर एडमिशन नहीं हो रहा, बाहर कोई अदर ऑप्शन देखे, किसी प्राइवेट कॉलेज में, गवर्नमेंट कॉलेज में, IIT, NIT, कोई ना कोई तो ऑप्शन देखना पड़ेगा। दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा जो बच्चों को, पेरेंट्स को सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, हाँ जी, मेरे को NIT भी मिल रहा है, IIT भी मिल रहा है, आईसर भी मिल रहा है और लल्लू लाल कॉलेज भी मिल रहा है, मैं किसकी तरफ जाऊं भैया? हैं, मेरे को NITs के अंदर मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल जैसी ब्रांच मिल रही है और आईसर्स के अंदर मेरे को BSMS रिसर्च मिल रहा है, तो मेरे को किस तरफ जाना चाहिए? ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर निकल के आता है। आई डोंट वरी, इन सब का कंप्लीट सॉल्यूशन हमने आपके लिए निकाला है। आईसर का कंप्लीट काउंसलिंग प्रोग्राम फिर 499 rupees के अंदर आपका पूरा लाइफ टाइम सपोर्ट आपको मिल जाता है। जब तक आपके आईसर की काउंसलिंग चलते है भैया, 10 साल, 20 साल, 30 साल, जितने साल आप लोग प्रिपरेशन करना चाहो, आप लोग हमें 24 hours कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया। वैसे उसका प्राइस 1999 rupees है, लेकिन आपको कोड यूज करना है HAPPY23। हाँ जी, HAPPY23, आपका प्राइस सिर्फ 499 हो जाएगा, जल्दी से जाके एनरोल कर सकते हो। वैसे एक आधे पिज्जा के प्राइस के अंदर ये कोर्स है, वैसे ही सिर्फ पिज्जा के अंदर ये बहुत सारे बच्चों की जिंदगियों को मोड से दूसरे मोड पे लेके जा सकता है। सो जस्ट यू कैन एनरोल नाउ इफ यू वांट टू सेव योर करियर और योर 1 year।